आपसी रंजिश दे चलदिया दलित व्यक्ति नाल कीती गई कुटमार अते वीडियो कीती वायरल। गुरदासपुर दे पिंड मसराले च जोगिंदर सिंह नाम दे एक दलित व्यक्ति नू उसी दे पिंड दे ही रहण वाले कुछ लोकां ने पहला तां गली चो चुक लिया ते फिर उस नू अपने घर लै जा के रस्सियां नाल बन के उस नाल कुटमार कीती अते फिर वीडियो बना के वायरल कर दिती। मामला इंज है कि जोगिंदरपाल दा कहना है कि ओ रात नू जदों अपने पिंड दे सरपंच दे घर जा रहा सी तां उसी दे पिंड दी रहण वाली महिला राकेश कुमारी अते उस दे पति विजय कुमार ने अपने मुंडिया नाल मिल के पहला तां उस नू गली चो चुकिया ते फिर उस नू अपने घर ले जा के रस्सियां नाल बन्निया ते फिर उस नाल कुटमार कीती। इन्ना ही नहीं उस दी कुटमार दी वीडियो बना के सोशल मीडिया ते वायरल भी कर दिती। कल मैं ते मेरा ब्रदर महिंदरपाल सरपंच दे घरों असीं 11 बजे घर नूं आ रहे सी ते महिंदरपाल अपने घर नूं वापस हो गया ते मैं जदों अपने विजय कुमार पुत्र मोहन लाल ते राकेश कुमारी पत्नी विजय कुमार अजय अक्षय कुमार पुत्र विजय कुमार ते राहुल पुत्र कमल किशोर ये चार जने सी। ये चारा ने मैं मतलब भी गाला कलोच किया भी चूड़िया से मेरा तेन अज छड़ना नहीं तू साढ़े हाथों अज बच नहीं सकता मारन दिया धमकियां दी गई तो मेरे इन्होंने बेसबाल मारे ना आँदे मेरे तो मैंने उन्हें धक्का दे के अंदर गेट के अंदर करके तो मैंने उन्हें बंदी बना के तो मार कटाई की है बहुत ज़्यादा मेरे नाल धक्का किया तो मैं जादी सुरत भी शब्द बोलिया चूड़िया से मेरा तेन छड़ा तेन मार देंगे तो वीडियो हाँ जी और वीडियो मतलब भी थोड़े नत्थी की वायरिंग की इन्होंने तो ये वीडियो भी जी इन्होंने अद्धी वायरिंग की मतलब भी पूरी नहीं इन्होंने की। हाँ जी मैं चाहता भी मैंने साफ किया मतलब भी मिले तो इन्होंने ये घटना 14 तरीक की हुई है रात 11 बजे किसी ने कार्रवाई अजय नहीं की अभी सलाह करती कोई कार्रवाई लड़ाई का पहला उन्होंने मतलब झगड़े अज तो मतलब भी मुकदमा मतलब 30 आ 30 बड़ा 12 मतलब 8 साल हो गया 10 साल हो गया मतलब केस चलती चलती। दसनयोग है कि पुलिस मामले दा पता लगदिया ही जोगिंदरपाल नूं छुड़ा ता लियाई लेकिन 24 घंटे होण दे बाद भी FIR दर्ज नहीं कीती। पिंड दे सरपंच दे अनुसार दोवां परिवारां दी आपसी रंजिश दे चलदियां इह सब कुछ होया ते दोषी खिलाफ कारवाई होनी चाहीदी है। ते इह बंदे जिहड़े दोवे ही मेरे कोल जोगिंदर सिंह ते महिंदरपाल मेरे कोल बैठे दी रात ते बैठे आपां गप्पां शप्पां मारने 11 दा करीब टाइम ही ते अपने घर नूं गए आ ते घर में महिंदरपाल के घर के सामने मैडम का घर आ उ जिन्होंने मतलब एक काम किया जो उतो लंघ रहा ही तो मैं जितों पता लगा जो मतलब मैं भी होर्स जो मैं सारे दसिया गा कि उतो लंघ रहा तो इन्होंने मतलब खिंच के अपने घर खड़िया तो ये मार कटाई की है फिर बना के उन्होंने वायरल करती है तो वो सारे ने मैसेज आ गया मतलब आई है मोबाइल से पुराना भी झगड़ा होया सर पहले 12 च इन्हों का झगड़ा है तो वह पार्टी उत्ते चार्जर लगे रहा जी कोर्ट केस चलता तो इन्होंने कंट्रोल रूम च फोन किया महिंदरपाल ने जिहड़ा इन्हें नाल गया ही उन्होंने सामने उन्हों का घर ही तो उन्होंने कित जो चीक सुनिया तो फिर इन्होंने फोन किया फिर पुलिस गई है पुलिस ने छाक लिया मंग ज देखो जो बंदे इंसाफ होना चाहिए जो उन्होंने गलत होया इंसाफ मिलना चाहिए पूरा पूरा। दूजी और गुरदासपुर दे SP हरविंदर सिंह ने कहा कि मामला उन्हां दे ध्यान च है अते बनदी कानूनी कार्रवाई जरूर कीती जावेगी। कैद मसूल होई है कि कुछ जोगिंदरपाल नां दे बंदे नाल पहला शामी कुछ झगड़ा होया सीगा राती लेट आउंदे सीगे ते इन्हां नूं लेडी है उत्थों दी ते नाल इक दो दे मुंडिया ने फड़ के ते उन्हूं घरे बन्निया बुन्निया जा के ते कुट्टिया ते उहदे च मैं असीं अजे पड़ताल कर रहे हैं मेरी ऐसी चुनाव गल हुई है दोवें पार्टियां नूं इकट्ठे कर रहे हैं जो भी कानून अनुसार जिहड़ी साडी कार्रवाई बनदी होगी उह कीती जाऊगी। मैं अजे देखी नहीं कि मैंने पता लगा है पर जो भी रियलिटी है वो कढ़ांगे तो वो अनुसार कानूनी कार्रवाई जी देखो उन्होंने एलीगेशन लाया जो साबित होएगा तो कार्रवाई पाएगी जो उन्हें गलत किया जो गलत करूगा नहीं मैंने अजे तक नहीं पता पर असी उन्होंने वेरीफाई गल ही करते पे हाँ शाम तक क्लीयर करके जो बनती कानूनी कार्रवाई हो जाए। साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।